हेलो गाइस, मैं विवेक कुमार सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल पैनल हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल यूज करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन हम आज बताएंगे। सबसे पहला तरीका है ये कि विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल, और इंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे, सीधे कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। यहाँ से हम कंट्रोल पैनल कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मतलब प्रोग्राम फीचर में जाके कुछ हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो सब देख सकते हैं। कुछ अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से हम हटा सकते हैं अपने सिस्टम से या लैपटॉप से। तो एक पहला तरीका तो ये हो गया कंट्रोल पैनल ओपन करने का। दूसरा तरीका ये है, आप जैसे कंट्रोल पैनल का आपने यहाँ पे कोई सिंबल डेस्कटॉप पे नहीं देख रहे, तो इसके लिए हम पहले कंट्रोल पैनल पे देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे। सॉरी, ये विंडो आर और इसके बाद हम जाएंगे थीम्स, थीम्स पे जाएंगे। थीम्स पे जाने के बाद यहाँ डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे जाएंगे और हम यहाँ से टिक कर देंगे जिसको मुझे डेस्कटॉप पे लाना है उसको, टिक करके अप्लाई ओके कर देंगे। अप्लाई ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल पैनल आ गया होगा। यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ गया, आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, सीधे ओपन हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका एक और है कि सर्च बार में स्टार्ट मेनू पे यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे कंट्रोल, CONT, यहाँ पे कंट्रोल पैनल, यहाँ पे ओपन करेंगे, क्लिक हियर, और इसके बाद ओपन हो जाएगा कंट्रोल पैनल। तो इस टाइप के हम कंट्रोल पैनल को यूज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का आप लोगों की सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्त।